मैं एकदम नज़दीक खड़ा हूँ और ये देखिए बड़े बड़े मशीन्स आपको दिख रहे होंगे मेट्रो का, जो कि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ये स्टेशन बनके जब रेडी हो जाएगा गाइस, तो समझिए कि हम लोग का मेट्रो का एक स्टेशन। सारा स्वागत है चैनल पटना स्टेशन में। मैं आ गया काफ़ी दिन बाद गाइस, थोड़ा तबियत खराब थी मेरी, बट अब मैं ठीक हो गया हूँ। आपको दिखा रहा हूँ ठीक होकर तुरंत मेट्रो का एक अपडेट, जो कि मैं आ गया हूँ फ्रेजर रोड में। क्या अपडेट है जानने के लिए बने रहिए व्लॉग में। है फ्रेजर रोड का एरिया जो कि स्टेशन जाता है इस साइड पटना जंक्शन, और वहाँ सामने में सिग्नल है जो है डाक बंगला चौराहे का सिग्नल, और वहाँ चल रहा है मेट्रो का काम। देखिए ये फ्रेजर रोड का एरिया है, सामने में आपको दिख रहा होगा जो हमारा बिस्कोमान भवन या बिस्कोमान टावर जो बोल सकते हैं वो है। यहाँ का जो काम है ना, सबसे मतलब मेट्रो का सबसे बड़ा काम यही चल रहा है फ्रेजर रोड एरिया में। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर में आपको एक बहुत बड़ा क्रेन या मशीन दिख रहा होगा, उससे यहाँ पे मेट्रो का काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। और ये पूरा एरिया अंडरग्राउंड एरिया है गाइस। अगर मैं बात करूँ तो गांधी मैदान से लेकर वो स्टेशन के एंड तक कंप्लीट ये जो है ये अंडरग्राउंड एरिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट नंबर 1 लिख दिया गया है DMRC का, मेट्रो का जो समझ सकते हैं आगे में आकाशवाणी स्टेशन है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को अपडेट दिया था, इसी गेट से आगे मगर लैंड में जाते हैं तो आकाशवाणी स्टेशन आपको मिलता है। देखिए डाइवर्जन बना दिया गया गाइस, यहाँ पे प्रतिबंध है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, बट डाइवर्जन बना दिया गया है कि आप दाहिने मुड़कर आराम से पैदल आगे की तरफ जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, देख सकते हैं पटना मेट्रो आकाशवाणी स्टेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे गार्ड साहब खड़े हैं उसके पास, और ये प्रवेश जो है वर्जित है यहाँ पर, हम लोग उसको अंदर आपको दिखा नहीं सकते हैं। और मेट्रो का वर्क प्रगति पे है। और ये देखिए ये जो है ना डाइवर्जन करके एक गली बना दिया गया है जहाँ से हम लोग जाना आना कर सकते हैं। और ये हमारा सेंट्रो मॉल पटना का, जो इसका मैंने या बहुत किसी ने व्लॉग बना दिया है। और देखिए काम कंटिन्यू चल रहा है साफ़ सफाई का। ये एक अपडेट दे दूँ आपको, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि ये टोटल अंडरग्राउंड बन रहा है यहाँ पे मेट्रो। अगर आप बात करें तो गांधी मैदान से लेकर पूरा स्टेशन में कंप्लीट अंडरग्राउंड रहेगा। काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है, बहुत ढंग से बहुत तरीके से मेट्रो वालों ने डाइवर्जन बना दिया है कि लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। उस नज़दीक आ गए हैं जहाँ पर सबसे बड़ा मशीन जो है मेट्रो के जो काम में आ रहा है वो यहाँ पर है। ये अंडरग्राउंड पे जो वर्क होता है ना गाइज, उसमें ये मशीन जो है काम आता है। और आप देख सकते हैं कितने ढंग से बना दिया गया है, लोग को आने जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है गाइज। और यहाँ पे डिवीज़न किया गया है, अगर हम अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं कि अंदर में कुछ काम चल रहा है, तो मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी पाइप्स रखे हुए हैं, अंदर में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवीज़न करके बना दिया गया है। और अभी कुछ यहाँ काम नहीं चल रहा है, आई थिंक काम आगे ही चल रहा होगा। फाइनली हम लोग आकाशवाणी स्टेशन पटना का पहुँच गए हैं, जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है। मैंने इसका व्लॉग कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, और फाइनली हम लोग वहाँ पर उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर आकाशवाणी स्टेशन बन रहा है। और यहाँ काम जो है काफ़ी स्पीड में चल रहा है गाइस। ये बड़े बड़े जो मशीन्स हैं यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड का जो काम होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी टफ होता है, तो उस हिसाब से यहाँ मशीन्स जो आए हैं बाहर से और यहाँ असेंबल हुए हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप काम चल रहा है, ये एरिया गाइस अगर बोला जाए तो मेट्रो का सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे ऐसा काम चल रहा है और कितने स्पीड में काम चल रहा है। और मैं खुद थोड़ा और नज़दीक चल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि मशीन्स देखने में और कैसे लगते हैं। काफ़ी हैवी मशीन्स है गाइस। मैं बता दूँ ये यहाँ पर असेंबल होता है, यहाँ से वो आता है पार्ट्स इसका, और यहाँ बनते हैं मशीन, उसके बाद काम में आता है। गाइस मैं एकदम नज़दीक खड़ा हूँ और ये देखिए बड़े बड़े मशीन्स आपको दिख रहे होंगे मेट्रो का, जो कि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और काम जो है वो कंटिन्यू लगा हुआ है, काम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है मेट्रो का, खासकर इस आकाशवाणी स्टेशन जो है यहाँ का। देखिए अंदर में क्या मस्त क्या बढ़िया नज़ारा दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको दूर से ही दिखा सकूँगा बिकॉज़ यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दूर से ही दिखा पाऊँगा कि कैसे यहाँ पर स्टेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मेट्रो का चल रहा है। और ये स्टेशन बन के जब रेडी हो जाएगा गाइस, तो समझिए कि हम लोग का मेट्रो का एक स्टेशन तैयार हो जाएगा। और ये मशीन स्टेशन मैंने आपको गाइस पहले ही अपडेट दिया था, अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है बनने में, अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया काम चाहता हूँ कि मैं अंदर जाकर आपको स्टेशन का जो बढ़िया परफेक्ट व्यू है वो दूँ, बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि ये अलाउड नहीं है गाइस। तो अपना मैनेजमेंट कॉल है, बहुत जगह अलाउड नहीं होता है, फिर भी इन्होंने इतना शूट करने का मौका दे देते हैं बहुत है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन बन रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़े बड़े मशीन आपको दिख रहे हो। आकाशवाणी स्टेशन की तरफ से अगर छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।